आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा सभाजी, और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है। टेक्नोलॉजी की दुनिया है, उसका प्रभाव बहुत तेजी से हमारी सभी व्यवस्थाओं में बढ़ रहा है। दो तीन चीजें हैं जिस पर मैं आपकी मदद चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि, और मदद इसलिए चाहता हूं, मदद कोई किसी से इसलिए मांगता है कि जब पता है कि मदद मिलेगी, वो ऐसे ही सोने की जाल कोई पानी में नहीं डालता है, और मैं तो नहीं डालता हूं। और मेरा भरोसा इसलिए है कि स्वच्छता का अभियान जो है, उसको जिस प्रकार से मीडिया ने उसको तवज्जो दी, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, एक प्रकार से उसको हर एक ने अपना काम माना और उसमें कभी पूर्ण विराम नहीं आने दिया, उसको उसमें नए रंग रंग भरते गए, उसमें लगातार उस व्यवस्था को, उस आंदोलन को, उस भावना को प्राणवान बनाया है। और इसके लिए मैं जब भी मौका मिलता है मैं मीडिया जगत का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। लेकिन उसमें मुसीबत ये हुई कि मेरी अपेक्षाएं बढ़ती गई। पहले तो अगर आप ये ना करते तो मैं कहता ही नहीं यार इनको क्या कहें, लेकिन अब आप करते हैं तो कहने का मन करता है। दो चीजें मुझे लगती हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है, और बाय एंड लार्ज आजादी की लड़ाई से लेकर के भारत में जिस भी चीजों से मीडिया शब्द जुड़ता है उसकी एक इज्जत है। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, गिरे हुए कपड़े हैं तो हमारे यहां एक स्वाभाविक उसके विरासत में इज्जत मिल जाती है उसको, वैसा मीडिया को भी है, एक विरासत का लाभ उसको मिलता है, और उसके कारण डीप फेक हो तो भी वो भरोसा कर लेता है यार ऐसे थोड़ा आया होगा, कुछ तो होगा। और ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा सभाजी, और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है समाज जीवन की व्यवस्थाओं को, और ये बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। मान लीजिए कहीं कोई एक गलत चीज ने कुछ नई समस्या पैदा कर दी, अगर सरकार को वहां पहुंचना है तो डिस्टेंस भी तो मैटर करता है, अब आपको तो डिस्टेंस समय मैटर ही नहीं करता है, तुरंत पहुंच जाता है। अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हमारे कार्यक्रमों के द्वारा कि आखिर है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है, और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है। जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे, मैं स्कूल में बहुत अच्छा खेलता था गरबे, बहुत ही अच्छा खेलता था, लेकिन बाद में कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अभी जैसे आज ही बनाया हुआ ऐसा वीडियो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है, उसने बना के रख दिया है और चल रहा है, और जो मुझे प्यार करते हैं वो भी इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैं औरों का उदाहरण देना नहीं चाहता, इसलिए मैंने दिया नहीं, मैंने अपना ही दिया, लेकिन एक चिंता का विषय है।